लॉकडाउन 4 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। जारी हुए नवे दिशा निर्देशों के मुताबिक हुण लुधियाना दे विच सिनेमा घर शॉपिंग कॉम्पलैक्स विद्यक अदारे बार अते होर सोशल जां फिर धार्मिक इकट्ठ वालियां थावां फिलहाल बंद रहणगियां। लॉकडाउन 4.0 जिहड़ा कि अज तों चालू होया है उहदे वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वल्लों जो हिदायतां जारी कीतियां गईआं हन उहदे मुताबक असीं जिहड़ा लुधियाना दे वास्ते हुकम जिहड़े सीगे अज सवेरे जारी करते सीगे। इन्हां हुकमां दे मुताबक कुछ चीज़ां जिहड़ियां हैगियां उहनां नूं बिल्कुल ही जमाबंद कीता होया है, जिवें कि एयर ट्रैवल जिहड़ा हैगा रेल ट्रैवल जिहड़ा हैगा उहनूं इस वेले परमिशन नहीं हैगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्कूल कॉलेजेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्हों पूरी तरह से मनाई हैगी। होटल रेस्टोरेंट्स अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज सिनेमा हॉल मॉल्स जिमनेजियम एंटरटेनमेंट पार्क स्विमिंग पूल्स थिएटर बार ऑडिटोरियम्स ये सारी चीज़ा जड़िया है उन्होंने हाल की घड़ी बंद रखा जाएगा। कोई भी सोशल पॉलिटिकल कल्चरल ते होर भी किसी भी तरह की गैदरिंग जी है वो परमिट नहीं की जाएगी। कोई भी रिलीजियस प्लेस पूजा वाली थावां जड़िया है उन्होंने उत्थे भी कोई भी इकट्ठ जड़ा है वो नहीं होने दिता जाएगा, उसकी कोई मंजूरी नहीं होगी। रात को 7 बजे तो सवेरे 7 बजे के विचकार मूवमेंट लोगों की मूवमेंट जी है वो अलाउ नहीं होगी सिवाय किसी मेडिकल एमरजेंसी वगैरह के। जिहड़े 65 साल तो उत्ते दे लोग हैंगे प्रेगनेंट लेडीज़ हैंगियाँ 10 साल तो कट वाले बच्चे हैंगे उन्होंने भी बाहर निकलन से मनाही रहेगी। इस तो अलावा जिहड़ियां मंजूरशुदा चीज़ा है उन्होंने डिटेल इदा हैगी कि जिहड़े भी प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैंगे या क्लीनिक्स हैंगे उन्होंने OPD जिहड़ियां हैगियां वो चालू रहणगियां। इस तो अलावा आदमी जिहड़े हैंगे इंडिविजुअल जिहड़े हैंगे सवेरे 7 बजे तो शामी 7 बजे तक विदिन स्टेट मूव कर सकते हैं। विदिन स्टेट का मतलब पूरे पंजाब दे विच किते भी आ जा सकते हैं। हुण उहदे वास्ते उन्होंने सैपरेट कोई पास वगैरह जिहड़ा हैगा वो लैण की लोड़ नहीं होगी। इंटर स्टेट मूवमेंट यानी कि एक स्टेट तो दूजे स्टेट जो किसी ने जाना होगा तो वह हाले बिल्कुल ही स्मूथली बंदा जिहड़ा हैगा वो नहीं जा सकता। इस दे वास्ते प्रोटोकॉल जिहड़े हैगे हेल्थ डिपार्टमेंट वालों स्टेट गवर्नमेंट वालों बनाए गए हैं वो फॉलो करने पैणगे। जिवें कि एक स्टेट तो दूजे स्टेट में जाने के लिए लोगों वालों दोनों स्टेटों तो परमिशन जी है लेनी पवेगी और अपनी मेडिकल स्क्रीनिंग जी है वो करवानी पवेगी ता ही परमिशन जी है मिलेगी। बसेस जिहड़ियां हैगियां फॉर द टाइम बीइंग इंटर स्टेट बसा जिहड़ियां हैगियां गवर्नमेंट जब परमिट करेगी केवल वो चलनगियां। और शेयर्ड ऑटो कैब्स वगैरह जिहड़ियां हैगियां वो चल सकते हैं लेकिन इहदे विच केवल 1+2 जिहड़ा हैगा वो लोग ही अलाउ किए जाएंगे। ड्राइवर तो अलावा 2 बंदे होर बह सकते हैं। रिक्शा ऑटो रिक्शा वगैरह जिहड़े हैगे वो भी परमिटेड ने लेकिन उन्होंने उत्ते भी बंदियां दी रिस्ट्रिक्शन होवेगी। फोर व्हीलर जिहड़े हैगे उहदे विच भी एक अगे और 2 बंदे पिछे बह सकते हैं। टू व्हीलर जिहड़े हैगे वो 2 व्हीलर दे उत्ते या तां एक आदमी इकला बह सकता है जां फिर एक आदमी जिहड़ा हैगा अपने नाल अपने घरवाली नूं बिठा सकता है। गुड्स थ्रू ट्रैफिक जिहड़ा हैगा वो बिल्कुल ही 24/7 अलाउड होवेगा। स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्सिस स्टेडियम्स वगैरह जिहड़े हैगे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटियां तो भावें करा सकते हैं लेकिन उस दे विच कोई भी दर्शक जिहड़ा हैगा वो अलाउ नहीं किया जाएगा। रूरल ते अर्बन एरिया दे विच शॉप जिहड़ियां हैगियां वो खुल सकदियां ने हुण सवेरे 7 बजे तो शामी 6 बजे तक। रेस्टोरेंट्स जिहड़े हैंगे वो सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं जां टेक अवे कर सकते हैं उत्थे डाइनिंग फैसिलिटी जिहड़ी है कि वो प्रोवाइड नहीं करनगे। बारबर शॉप्स नाई वगैरह की दुकाना हेयर कट्स सैलून जिहड़े हैंगे वो चालू रह सकते हैं सवेरे 7 बजे तो शामी 6 बजे तक। रूरल अर्बन एरिया दे विच कंस्ट्रक्शन एक्टिविटियां हो सकदियां हन एग्रीकल्चर हॉर्टीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी हर एक तरीके की सर्विसेज हो सकदियां हन। बैंक्स फाइनेंसिस सर्विसेज जिहड़ियां हैगियां वो खुल सकदियां हन उहदा टाइम जिहड़ा हैगा वो अपने मुताबिक कर सकते हैं बट सवेरे 7 बजे तो 6 बजे के विचकार ही ये टाइमिंग जिहड़े हैगे वो हो सकते हैं। कुरियर पोस्टल सर्विसेज चालू रहणगियां इंडस्ट्री रूरल अर्बन एरिया दे विच चालू रहेगी। ई कॉमर्स फैसिलिटी चालू रहेगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिहड़े हैगे सिर्फ और सिर्फ ऑफिस वर्क कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग करा सकते हैं तो कोई बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन या कोई इस तरह की चीज़ा जिहड़ियां हैं उन्होंने परमिटेड हैगियां वो चीज़ा जिहड़ियां हैगियां कर सकते हैं। प्राइवेट ऑफिसेज जिहड़े हैगे वो खुल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज वो खुल सकते हैं।
इस तो अलावा जिहड़ियां चीज़ां नूं स्पेसिफिकली प्रोहिबिट नहीं किया गया वो सारी चीज़ां जिहड़ियां हैगियां वो खुल सकदियां हन। मेन जिहड़ा मकसद ये सारी की सारी हिदायतां दा हैगा वो हैगा कि लोगों नूं अपनी सुरक्षा जिहड़ी हैगी उहनूं सब तो ज़्यादा तवज्जो देनी है। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करके रखना, हाथ धोना, सैनिटाइजर्स वगैरह वरतना, क्राउडेड थां ते दूर रहना, ये सारी चीज़ें जिहड़ियां हैगियां उन्होंने फॉलो करनिया पैणगियां। व्हीकल्स मूवमेंट वगैरह के वास्ते और पासिस के वास्ते भी स्पष्ट हिदायत जिहड़ियां किते किते चाहिदा हैगा वो सारी की सारी हिदायत असीं क्लीयर कर दित्तियां हैगियां। हुण मैनूं लोकां तों ये उम्मीद हैगी कि जिवें उन्हां वल्लों पिछले 50-55 दिनां दे विच जिस तरीके नाल संयम का परिचय दिंदे हुए लॉकडाउन नूं और करफ्यू नूं सपोर्ट किया गया सीगा और उस दे ताबे ही असीं लुधियाना दे विच काफ़ी हद तक कोविड नूं कंट्रोल करन दे विच सफल होए ने। हुण अगे भी असीं उसी तरीके नाल भावें रिलैक्सेशन सानूं मिल गईआं ने असीं उन्हां दी पूरी डिसिप्लिन दे विच उन्हां नूं पालना करांगे, जो भी सानूं हिदायतां गवर्नमेंट वल्लों दित्तियां जा रहीआं उन्हां दी पालना करदे हुए कोविड नूं खावांगे। धन्यवाद। लुधियाना तो कुलबीर राही की रिपोर्ट था TVNRI।